यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं, जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा कस्बे की नुमाइश मैदान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर ने शिरकत की। संबोधन के दौरान हीरा ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कई आरोप भी लगाए। बता दें कि पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में जनपद के चारों विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए और पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतने का संकल्प किया। वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर ने मीडिया से मुखातिब होकर पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर ने विपक्षियों पर जमकर हमला किया। उन्होंने जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की प्रशंसा की, वहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोला। योगी सरकार में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के लगातार आरोप लगा रही है विपक्ष, क्या कहते हैं? देखिए, जो जो भ्रष्टाचार के लिए ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये खुद ही भ्रष्टाचारी है। इनके कारनामे जानते हैं? इनका एक मंत्री आज भी जेल में गायत्री प्रजापति पड़ा हुआ है, कई के ऊपर जांच है, स्वयं आय से अधिक संपत्ति में पूरा परिवार फंसा हुआ है। इसलिए भ्रष्टाचारी ही, अगर चोर ही कोतवाल को डांटेगा तो न्याय हो चुका। मोदी जी और योगी जी, एक एक पैसा इस प्रदेश की जनता का किसी ने लूटा है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे एक साधारण गांव का कार्यकर्ता हो, अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार की मार पड़ेगी, और अगर दोषी पाया जाएगा तो जेल भी जाएगा, उसकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। जेल भेजने की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि टेनी को क्यों नहीं बर्खास्त कर दी, टेनी को बर्खास्त क्यों नहीं? उनका बेटा जेल में है, जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज के, एक रिटायर के और तीन आईपीएस अधिकारियों के, अगर वो कहीं से दोषी होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो देश का प्रधानमंत्री ड्राइपरी है, हमेशा न्याय से झुकने वाला नहीं है। किसान के प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है प्रदेश सरकार पर कि हमारे बच्चों के भी सोशल अकाउंट हैक किए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट। ये प्रियंका गांधी ठीक कह रही है, इसलिए कि उनके पति ने जमीन का घोटाला कर रखा है, तो उसमें प्रियंका जी के, हो सकता है कि प्रियंका जी के भी नाम हो, उनके बच्चों के नाम हो, उनके परिवार के नाम हो, उनका भी पूरा परिवार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये सब जमानत पे हैं। तो इन भ्रष्टाचारियों का एक ग्रुप है पूरे देश में, जो भारतीय जनता पार्टी को पीछे करना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की, प्रदेश की जनता और खास तौर से जो पिछड़ा वर्ग यहाँ 85% इस देश में रहता है, वो मोदी जी के लिए खून देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको संवैधानिक दर्जा दे करके उसका न्याय उसके दरवाजे पे पहुँचा रहे हैं। इसलिए दवा भी दे रहे हैं, गैस भी दे रहे हैं, उनको बिजली भी दे रहे हैं, शौचालय भी दे रहे हैं, 5 रुपए इलाज के लिए 5 लाख दे रहे हैं, और तो किसानों के लिए सम्मान निधि दे रहे हैं, तो हम सबको दे रहे हैं, तो देने वालों की जनता भी समझ रही है। हिंदू और हिंदुत्व की बात करती है सपा का ये कहना है, लेकिन हिंदुत्व की अगर बात करती है तो हिंदू को क्यों ऐसा भड़काया जा रहा है, बेरोजगारी अगर 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 समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को हिंदू और हिंदुत्व में फर्क जान लेते तो शायद ये नहीं कहते कि जो कोविड की वैक्सीन थी वो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। उनके विवेक को छोड़ दो, वो वैज्ञानिक और डॉक्टर बनाते थे जो सैकड़ों मर गए, उसके बाद भी उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को भड़काया। इसलिए उनके बयान में वो तो कितना झूठ प्रदेश की जनता को बलगराने के लिए उनके लोग बोल सकते हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं। उनका झूठ बोलने का काम है, और हमारा जनता का सेवा करना, उसका सम्मान करना, उनके हित में फैसला लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। इस बार 300 पार भाजपा डर रही है, तभी वो मतदान जो कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक करा रही है। ये अगर ऐसा था तो उन्होंने पहले ही वोट किया। ये अखिलेश यादव को भय होना चाहिए, जो आतंकवादी रोजाना आधार कार्ड बदलवा करके इधर उधर घूमते हैं, जब उनका लिंक हो जाएगा, दुनिया के किसी कोने में जाएगा, उस बदमाश को, उस आतंकवादी को हम पकड़ेंगे और जेल में ठांस देंगे। इसलिए ये जो सीए का विरोध करने वाली टीम थी, ये वही टीम है
चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये सब वही ग्रोह है। वही ग्रोह मिलकर के उत्तर प्रदेश में 400 सीटें देने आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें देगी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी को और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी। इस बार कहा जा रहा है कि पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे। बिल्कुल साफ करेंगे, मैंने आपको गिना दिया, 403 कहा है, 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता देने जा रही है, 3 सीटें समाजवादी पार्टी को देगी और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को देगी, बाकी कांग्रेस साफ हो जाएगी।